बुरा दिखते हो जितना बेसुरा तुम गाते हो। देखना चाहोगे? फ्रेंड्स बुक पर हो? अभी बात करते हैं। मेरा नाम हैरी है केडी। आज तक तुम्हें हर किस्म के लोगों ने केस दिए होंगे, औरतों ने, मर्दों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, लेकिन एक पपेट ने आज एक पपेट रहा है। अरे जी, आपके पीछे हाथ किसका है? मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, और इस केस में उसका भी हाथ नहीं। किसका? अंकिता वोरा का, जिसे पुलिस ने अपने पति की जान लेने के लिए पकड़ा है। माय लॉर्ड, वो बेकसूर है। देखो भाई, तुम जो भी हो, ये मजाक मेरे साथ। किसने बताया अंकिता वोरा के बारे में? उसकी बहन ने? नहीं, वो छोड़ ना, कौन से सेल में ये बता दे। लगता है तुमसे पीछा छुड़ाना इस जन्म में तो मुश्किल है। चलो। अरे ये हैरी यहाँ क्या कर रहा है कठपुतली? पर तुम्हें इसका नाम कैसे पता कि हैरी है? नहीं, क्योंकि इसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में जो तिल है उस पर इसका नाम लिखा हुआ। तू देख, मैं अंकिता से मिल के आता हूँ। मैंने अनीश को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए, ये सब उस हैरी की वजह से हुआ। मैंने नहीं मारा उसे। अकबरे, मैग्नीफाइंग ग्लास ला तो। हैरी तो एक कठपुतली है। मेरे हस्बैंड अनीश का पापेट है। अनीश एक वेंट्रिलोक्विस्ट। अच्छा, अनीश जी एक रूढ़िवादी थे, तो दोनों का साथ में एक समय था जब अनीश और हैरी का एक्ट बहुत मशहूर हुआ करता था। काम कर हैरी, सबको बता दे, बोल तू गधा है।
तू गधा है। अबे मैं नहीं तू गधा है। अबे मैं नहीं तू गधा है। अरे यार तू तो समझ ही नहीं रहा। ठीक है ऐसे बोल कि मैं गधा हूँ। ठीक है तुम कहते हो तो होगे। ये क्या किया तुमने? मैं देख रही थी ना। तुम्हें छोड़कर और कोई नहीं देखता ये तमाशा। 4 साल हो गए कोई ढंग का काम नहीं है मेरे पास। और ये मनहूस ये अब बेताल की तरह लटकता रहता मेरे ऊपर। सोच लिया मैंने कि अब ये कॉमेडी बंद करके कोई बिजनेस करूँ। ये तुम्हारा पैशन है तुम हैरी। खत्म हो गया पैशन मर गया है। मेरा बस अब एक ही सपना है रेस्टोरेंट खोलूंगा मैं। अनीश ये मेरी नींद की गोलियों का असर है। ये एक लकड़ी का पपेट कैसे बोल सकता है वो भी अपने आप। ये बात तुमने अनीश को बताई? हाँ मैंने उसे ये बताया लेकिन उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा वहम है मैं पागल हूँ। लेकिन 2 दिन बाद जब अनीश होटल के बिजनेस के सिलसिले में पुणे गए थे और मैं घर साफ कर रही थी तब अंकिता, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, अनीश, वो अनीश नहीं रहा, जो पहले था। मुझे पता है, मैं उसके साथ जो रहता हूँ हमेशा, मैं जिंदा हूँ और उसके सीक्रेट जानता हूँ। अनीश का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जैस्मिन से चक्कर है। तुमसे कहकर गया है कि वो पुणे में है ना? अभी जुहू के ड्रीमलैंड होटल फोन करो और रूम नंबर 231 के अनीश वोरा के बारे में पूछो, तभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन आएगा। Do it! हेलो होटल ड्रीमलैंड रूम नंबर 231 मिस्टर अनीश वोरा से बात कर सकती हूँ? हेलो। अरे अरे मत करो बाबा स्टॉप। हेलो हेलो पता नहीं कौन पागल। आई एम सॉरी अंकिता, पर अच्छा है कि तुम ये बात अभी जान गई। तुम बोल कैसे सकते हो? तुम्हारी अंदर की आवाज तो अनीश की है ना? तुम कैसे बोल सकते हो? सवाल ये नहीं कि मैं जिंदा कैसे हूँ, सवाल ये है कि तुम्हारा पति तुम्हें जीते जी मार रहा है। उस जैस्मिन के लिए उसने तुम्हें और मुझे दोनों को ठुकरा दिया है। क्या इसका बदला हम
नहीं लेंगे अंकिता। हाँ तो अंकिता जी, आपको इस गुड्डे ने आपके पति के अफेयर के बारे में बताया जी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी, मिसेज अंकिता। हाँ फिर बताइए आगे क्या हुआ। हर दिन हैरी मुझे अनीश के बारे में नए नए राज बताने लगा, जिससे कि अनीश के ऊपर जो शक था वो धीरे धीरे सच में बदलने लगे। उसके काले पेंट की दाईं जेब में देखो, फिल्म के दो टिकट मिलेंगे। नाइट शो, और कह के गया था कि किसी बायर से मिलने जा रहा हूँ, झूठा। उसके बैग में टोलरन ज्वेलर्स की एक रसीद है, 2,00,000 के एक हार की। वो हार उसने तुम्हें नहीं जैस्मीन को दिया है, मक्कार। तो स्ट्रेंज बात ये है कि इतना कुछ आपको पता था, उसके बावजूद आपने अपने पति को कन्फ्रंट नहीं किया। किया ना, मैंने उनसे बात की, लेकिन वो मेरी बातों को टाल देते थे। वो कहते थे कि ये सब मेरा वहम है, मैं पागल हो गई हूँ। पर तुमने किसे बताई ये? हाँ क्या कर रही हो तुम, किससे बात कर रही, पागल हो गई हो तुम? लेकिन एक रात जब अनीश घर पर नहीं था, अचानक फोन बजा। हेलो अंकिता। अनीश क्या हुआ? मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? जैस्मिन। अंकिता तुम सही थी, मैं इस वक्त चाइना सीट पर हूँ, प्लीज हो सके तो आ जाओ। अनीश हेलो फाल्गुनी, किसी वक्त चाइना सीट पहुंचा। कुछ सवाल मत कर, अनीश वहाँ है, उसी बस में, तू जल्दी आ। हाँ चल पाए। उसी का फोन था ना, मत जाओ चाइना क्रीक, तुम्हें मारने का प्लान बनाया है उन दोनों ने, वहाँ से नीचे धकेल देंगे तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने अनीश की आवाज़ सुनी, वो मुसीबत में, मैं जा रही हूँ। मुझे भी साथ में ले लो, मुझे अनीश पे भरोसा नहीं है। मुझे बता दो, मैं तो सिर्फ अपना पैर खत्म करना चाहता था। नहीं अंकित, यही मेरी सजा। तो कह रही हो तुम? हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई लव यू अंकित, आई लव यू। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अनीश ने खुद वहां से छलांग लगाई, आपने उसे धक्का नहीं दिया? हाँ। अरे वाह, एक और कहानी। उसे अनीश वोरा की बॉडी कहाँ है? योर ऑनर, भाग्यवश पुलिस को घटनास्थल से अनीश जी के फटी हुई खून से सनी कमीज प्राप्त हुई है। उनका देह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, नदी में वो गिरे थे, वो मगरमच्छ से भरी हुई। संभव है कि तो मगरमच्छ उन्हें खा गया हो या उनका देह बहता बहता कहीं चला गया। योर ऑनर, ये चाकू जिस पर अंकिता जी की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं, ये सब कुछ बयान कर रहा है। एनीवे, यहाँ पर मुद्दा चाकू का नहीं है, मुद्दा तो इस पपेट का है, हैरी, क्योंकि बोलता है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे क्लाइंट्स के केसेस भी लेते हैं जो
इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल देते? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये हैरी बोलता है मुझसे, और हैरी को सब कुछ पता है कि उस रात क्या हुआ था। ठीक है, फिर हमें हैरी को कटघरे में बुलाकर सारी पूछताछ कर लेनी चाहिए। दीक्षित, योर ऑनर, अगर हैरी अंकिता जी से बात कर सकता है तो मुझसे भी तो कर सकता है ना। हैरी से पूछते हैं, हैरी जी जरा बताइए कि क्या आपने अंकिता जी के कान भरे थे अनीश जी के खिलाफ? प्लीज बताइए, शर्माइए मत। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज। मिस्टर पाठक, ये मुझसे तो बात ही नहीं, प्लीज। उर्मी जी, ये अदालत है, ट्राई नॉट टू बी रिडिकुलस। पाठक, क्या देख रहे हैं आप? योर ऑनर, मैं देख रहा था कि उनके अंदर कहीं कोई ऐसा यंत्र तो नहीं लगा जिसके कारण ये बोलते हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर चुकी है और ऐसा कोई यंत्र बरामद नहीं हुआ है मिस्टर पाठक। और अगर आपको फिर भी कुछ चेक करवाना है तो अपने क्लाइंट का दिमाग चेक करवाइए, जिसने एक पपेट के बोलने पर अपने पति को मार डाला। मैंने अनीश को नहीं मारा है, मेरे यकीन कीजिए, मैंने अपने पति को नहीं मारा है, नहीं मारा है मैंने अनीश को। आपके कहने से कुछ नहीं होता मिसेज अंकिता, आपके घर के सेवक मिस्टर मेघ जी भी यही बताएंगे। पता नहीं साहब, पिछले महीने से दीदी को क्या हो गया था, इस गुड्डे के साथ घर में अकेले बैठी रहती थी और इससे बतियाती भी रहती थी। तो क्या तुमने पपेट को इनसे बात करते हुए देखा या सुना? कैसी बात कर रही हैं, ये तो एक बेजान चीज है। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी ये जो मैडम है वो थोड़ी सी, अब क्या कहें, ज्यादा दिनों तक घर में अकेले रहने से शायद दीदी का दिमाग सनक गया है। जी नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरी दीदी को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है। दीदी तो हमेशा से ही एकदम सुलझी हुई और समझदार है। तो अच्छा, आप बताइए, आपने कभी हैरी को आपकी दीदी के साथ बात करते हुए सुना, या आपकी दीदी ने आपसे कभी कुछ ऐसा कहा? दीदी ने कभी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, और अब मैं तो मणिपाल में थी अपने कॉलेज में, दीदी से ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। और जज साहब, अगर मेरी दीदी कह रही है कि उन्होंने जीजू को नहीं मारा तो वो सच ही बोल रही है। इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। एक मिनट, एक मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि आप जस्मिन जी के बारे में क्या जानते हैं? जस्मिन मेरे जीजू की पहली गर्लफ्रेंड है। दरअसल शादी से पहले उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर फैमिली इश्यूज की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर जीजू ने मेरी दीदी से शादी की। आपको लगता है कि विवाह के पश्चात भी आपके जीजा जी और जैस्मिन के बीच कुछ है? पता नहीं, पर अगर मेरी दीदी कह रही है तो शायद सच्ची कह रही होंगी। योर ऑनर, मैंने जुहू के ड्रीमलैंड होटल से पता करवाया, वास्तव में वहाँ अनीश जी ने कमरा बुक किया था दो लोगों के। केवल इतना ही नहीं, तोलाराम जोहरी का भी यही कहना है कि उनसे अनीश जी ने 2,00,000 रुपए का नेकलेस बनवाया। मिस्टर पाठक, आप ये साबित करना चाहते हैं कि हैरी ने जो कुछ भी कहा वो सच था? आई एम सॉरी, सच थोड़ी है, मतलब हैरी ने कुछ बोला? उर्मी जी, सत्य सत्य होता है, और सत्य कोई भी बोले सत्य सत्य ही रहता है। अनीश और मेरे बीच जो कुछ भी था वो अनीश की शादी से पहले तक था। पिछले 3 सालों में अनीश से मिलना तो दूर, मैंने उसके साथ फोन पे बात तक नहीं की है। फिर अनीश जी ने ऐसा क्यों बोला कि आप उनकी जान लेना चाहते? ये अनीश का नहीं, ये इस अंकिता का कहना है। सर हमेशा मुझ पर शक करती है कि मैं इसका पति इससे छीन लूंगी। सर प्रोसिक्यूटर सही कह रही है, ये पागल हो चुकी है, और पागलपन में इसने अपने पति को मार डाला।
वो कौन हंस रहा है अदालत में? प्लीज कीप क्वाइट। क्या कह रही थी आप? उस रात मैं मुंबई में ही नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी अहमदाबाद में, मैं वहीं पर थी सर। Who is breaking the decorum of the court? Please keep quiet. तो पाठक आप क्या देख रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये हंसी हैरी की थी? योर ऑनर, मुझे कोर्ट इज एडजर्न। अरे दवे, ये पुतला पुलिस के पास कब से है? क्राइम सीन उसी रात। मुझे आपत्ति ना हो तो मैं एक दिन के लिए रख लूं। पर केड़ी, ये इस केस का अहम सबूत है। सबूत से क्या अर्थ है? ये चश्मदीद गवाह है। नहीं पर तो फिर एक दिन के लिए मुझे देने में क्या है? अच्छा ठीक है, रख लो। शायद ये पुतला तुम्हें खूनी का नाम बता दे। वैसे मिस्टर पाठक, आपने बताया नहीं ये केस आपको मिला कैसे? आपने भी तो नहीं बताया कि आपने घर में बिल्ली पाल ली। आपको कैसे? छोड़िए, मैं चलता हूँ, केस की तैयारी करता हूँ। क्यों? तो आपने अदालत में क्यों नहीं बताया कि इस पपट ने आपको फोन करके वो केस दिया था? क्या बोलता मैं? एक कठपुतली ने मुझे केस दिया है, मतलब तू नहीं चाहता कि आज के बाद में कोई और केस लड़ूं? वैसे भी मुझे नहीं लगता इस कठपुतली ने मुझे केस दिया है। वो आवाज संभवतः असल हत्यारे की है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है वरुणी, ये जो कठपुतली है ये दगे के पास था, पुलिस स्टेशन में था, तो वहां से कोई क्यों और कैसे मुझे फोन करेगा? दवे ने तुम्हारे को सटाने के लिए इस पपेट ने ही आपको कॉल किया होगा। आइए पधारिए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इस कठपुतली ने मुझे फोन किया? सर, मेरा नाम अभिरूप सूद, मैं कलेक्टर, एंटीक कलेक्टर। और ये पपेट कोई आम पपेट नहीं, अनीश ने चाइना के एक मशहूर जादूगर आइन कम चैन से इसे खरीदा था। सर, प्राचीन समय में चाइना में ऐसे कई पपेट्स थे जो जादूगर अपने पास रखते थे। कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा उनके पपेट्स में चली जाती थी। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हैरी के अंदर किसी चीनी जादूगर का रूह है। पॉसिबल है, इसीलिए तो ये पपेट मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो बताइए कितने का चेक दूँ मैं आपको? बल तो ये कठपुतली मेरी नहीं है। इसका मालिक तो मर गया और मालकिन जेल में, तो इस बेचारे अनाथ पपेट को नहीं गोद ले लेता। ये मेरा कार्ड, अगर आप चाहें तो आप अपने क्लाइंट से इसे बेचने की परमिशन ले सकते हैं। वैसे यकीन मानिए, ये पपेट मामूली नहीं। चलता हूँ। चाइनीज जादूगर की रूह, वो भी इसमें? Isn't it funny sir? How is it possible? अनीश को अंकिता ने नहीं मारा। अब मेरे कान बज रहे हैं यहाँ पर सचमुच। I'm going home, Katie. इसको पहले बाहर निकालो, फिर मैं आऊंगी। आप प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? वो जल्दबाजी में ना मैं अपने घर का लॉकर बंद करना भूल गई और उसमें बहुत सारे जेवर हैं। आप मेरी बहन फाल्गुनी को कह देंगे कि वो सारे जेवर वो अपने साथ रख ले? जी, आपका संदेश मैं आपकी बहन तक पहुंचा दूंगा। एक बात बताओ अंकिता, ये जब हैरी तुम्हारे साथ बात करता था तो क्या इस प्रकार से मुंह हिलता था उसका? हाँ, यही तो हैरानी की बात थी। अनीश को अंकिता ने नहीं मारा,
विचित्र बात है, जब मेरे साथ था मेरे कार्यालय में इसने बात की थी तब भी इसका मुंह खुल नहीं रहा था। इसने आपके साथ बात की? हाँ। देखा, मैंने कहा ना हैरी जिंदा है, वो बोलता है। हैरी, हैरी, केडी सबको बताओ ना सच क्या है केडी। हाँ मिस्टर सूद, बोली। मेरे ऑफर के बारे में मैडम से बात की? बाद में बात करें। थैंक यू। दीदी ने कहा है कि मैं उनकी कुछ पर्सनल चीज़ों को पैक करके अपने साथ रख लूँ, इन सबको मैं लॉकर में रख दूँगी, और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो मैं खुद ही बाहर जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही? एक्चुअली मुझे जॉब मिल गई है दुबई में। आपकी बहन जेल में है और आप दुबई जा रही? वैसे भी दीदी हमेशा के लिए थोड़ी ना जेल में रहने वाली है, दीदी तो बेकसूर है, वैसे भी केडी जैसे वकील हैं उनके साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अजीब बात है। क्या वो? दीदी ने जो ज्वेलरी की लिस्ट दी है, इनमें से दो हार और एक डायमंड की रिंग मिसिंग है। बस से मिस्टर पाठक, आपने बहुत जल्द डिसाइड कर लिया। हाँ डिसाइड तो करना ही था, कल केस की सुनवाई है। वैसे दिन कौन सा है कल? कल फ्राइडे। फ्राइडे ये आप को फ को फ बोलने की आदत है। और व्हाई यू आस्किंग? यही आदत हमारे हैरी साहब में भी, फ को फ बोलते। मिस कॉल, फॉरन, फ्री, ऑफर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही की ध्वनि है हैरी सर में? एक सलाह देता हूँ आपको, जब नकली मूंछ लगाते हैं ना हम, थोड़ी गोंद ज्यादा लगानी चाहिए, नहीं तो निकल जाती है, जैसे कि आपके अभी निकल रही। अब निकाल लीजिए पूरा, निकल तो गई है। बाबा बिना मूछ के अच्छे लग रहे हैं आप, एकदम कॉलेज बॉय वाली लुक आ रही है। केडी सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अभी देखिए, किया तो आप ही नहीं है, ये केस भी मुझे आप ही ने दिलवाया है हैरी के द्वारा। लेकिन ना क्यों मुझे शंका हो रही है कि वो जो हैरी था वो ये हैरी नहीं था, ये हैरी वो हैरी नहीं है, कोई और ही हैरी है। जी हाँ, वो डुप्लीकेट था। चलिए अभी आप बोल ही रहे हैं सब कुछ, तो ये भी बोल दीजिए कि आप हैं कौन और क्यों कर रहे हैं सर। मैं बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ। नया सुराग जो इस केस को हिला देगा। केस तो हिल चुका है, केस को हिलाने वाले से मिलिए, हमारे अनिरुद्ध सूद साहब है ना। विवेकानंद चक्रवर्ती। क्या बात, कहानी में एक और ट्विस्ट। क्या पुलिस को अनीश वोरा की बॉडी मिली? जी नहीं योर ऑनर, खोज चल रही है लेकिन उनके शरीर का कोई अता पता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि मगरमच्छ उन्हें पूरी तरह से खा गए हों। योर ऑनर इसलिए बेहतर है कि हम असल हत्यारे की खोज करें। हाँ तो मेघ जी, दो हार एक हीरे की अंगूठी। अब मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, फिर से समझा दूं। दो हार जो गले में पहने जाते हैं, एक हरे जड़ाऊ का, एक सोने का, और एक अंगूठी जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। ये सब माल किसे बेचा तुमने और कितने पैसे मिले थे? I object your honor, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। योर ऑनर ताल्लुक है, और कुछ ही क्षणों में मैडम को पता चल भी जाएगा कि क्या ताल्लुक है। बताओ बताओ जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास, अब हत्यारे को भी ढूंढना है। बताओ कहाँ बेचे थे, कितने पैसे मिले? साहब आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये दो हार और ये हीरे की अंगूठी जो तुमने चुराए, तुमने बेचे थे, पकड़ के लाए हैं, तुम्हारे घर से बरामद हुआ है ये माल। साहब ये सब तो नामुमकिन है। नामुमकिन कैसे है, तुम्हारे घर से निकला है भाई। साहब नकली है ये सब। ये सब नकली है कैसे पता तुम्हें? असली तो मेरे। असली तो कहाँ? मेरे भाई के घर पर। झूठ बोला था तुमने इन्हें फंसाने के लिए। हाँ। चलो सच बताओ क्या है।
मुझे लगा दीदी और साहब के अलावा और कोई तो नहीं जानता है कि घर में क्या गायब है, इसलिए मैं दीदी को पागल। अर्थात तुमने तब झूठ बोला था। सत्य ये है कि तुम्हारी मेम साहब अंकिता जी का दिमागी संतुलन, मानसिक संतुलन सब ठीक है। अब अभी तो मुझे अपने संतुलन की फिक्र हो रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अंकिता दीदी उस गुड्डे से बातें करती थी और ये गुड्डा भी उनसे बातें करता था। साहब मैंने बहुत सारी भूतों प्रेतों की कहानियां सुनी है और अब देख भी लिया। साहब जी गुड्डा, साहब जी गुड्डा जिंदा है, गुड्डा जिंदा है, दीदी से बातें करता है। Order, order, silence in the court, please. Your Honor, मुझे लगता है ये अंकिता जी के साथ साथ मेघराज का भी इलाज करवाना पड़ेगा। गुरु जी हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति बोले तो झूठ बोले, किंतु अगर दो व्यक्ति वही बात बोले तो संभव है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो। क्या कि ये हैरी ये पपेट बोलता है? जी इसका पाठक, आप कब से ऐसी अंधविश्वासी बातों में यकीन करने लगे? उर्मी जी जब इस अंधविश्वास के पीछे का विज्ञान मैं अदालत में खोलूंगा आप भी विश्वास करने दें। क्यों जैस्मिन जी आप इंजीनियर हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर? हाँ तो पूछ रहा था, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग? देखिए सर मैं नहीं जानती कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि इस केस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो है ना, सीधा सीधा अनिश ने कहा था कि आपने उसे चाकू मारा। सर प्लीज, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने अनिश को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अनिश को। इनफैक्ट मैं उस रात मुंबई में ही नहीं थी, पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैंने नहीं मारा। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। फिर से हंसी, कौन है ये? सर ऑनर पिछली अदालत में भी इसी मोड़ पर हंसी आई थी जब ये जैस्मिन गवाही दे रही थी। अरे भाई कौन है, प्लीज बाहर निकलो। ये मैं हूँ डार्लिंग, रिलैक्स रिलैक्स। क्यों? मैं बोल क्यों नहीं सकता? हेलो जज साहब, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? हाँ, आप कहो तो मैं डांस भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पीठ में दर्द है इसलिए आज नहीं। और असली कलाकार कोई और है जिसने ये पूरा गेम खेला। सत्य बोल रहा है उर्मी जी, ये सत्य बोल रहा है, आगे पूछिए उत्तर देगा वो। अरे सब कुछ सच बता दो, तुम जानते हो ना उस रात क्या हुआ था? ये लोग नहीं जानते उस रात क्या हुआ, प्लीज इन्हें सच बता दो। डोंट वरी अंकिता, अब मेरा खामोश रहना सही नहीं है। सर इस केस का विलन है वरुण। वरुण कटघरे में आकर बताएगा और साथ में वो बक्सा भी ले आना दोस्त। वरुण जी क्या है तारे में बक्से में? पिताजी मुझे लग रहा है कि तारा आपका सामान है। देखिए इसमें तो मेरी निजी चीजें और गहने हैं जो मैंने फाल्गुनी से कहा था कि वो घर से ले जाए। गणेश देव की मूर्ति, ये देवर, कंगन, दांत, ये दांत तो अनीश का है, उसका नकली दांत है। तो ये क्या आपने उनके याद के लिए एक निशानी रखी है? क्यों दांत देवरों के साथ? समझा नहीं। नहीं, इस नकली दांत के बारे में फाल्गुनी से मैंने कभी नहीं कहा। योर ऑनर पता नहीं था फाल्गुनी को इस दांत के बारे में, अगर आप अनुमति दें तो उन्हें यहाँ बुलाकर पता लगवा। बुलाओ।
आ जाओ फाल्गुनी आ जाओ। मैं समझा ही नहीं, इतने सब भगवान की मूर्ति, इतने बेशकीमती जेवर, मैं नकली दांत क्यों लेकर, क्यों क्यों कहां लेकर जा रही थी वो दांत? वो शायद गलती से। देखिए ये जो दांत बनता है, ये तो जो व्यक्ति होता है उसके नाप अनुसार बनता है, तो अर्थात इसका उपयोग तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए वो दांत बना हो, और अनीश जी इसका उपयोग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी तो मृत्यु होगी, स्वर्गीय हो गए वो, या फिर मिस्टर पाठक कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संभवतः वो दांत आप उन्हें देना चाह रही थी अनीश जी को। कहानी में ट्विस्ट है। आपको इतना तो पता है कि नहीं कि आप कुछ दिनों बाद दुबई जा रही हैं, नई नौकरी के सिलसिले में। जी हाँ, पर इसके बारे में मैंने आपके असिस्टेंट को बताया था। हाँ हाँ बताइए, लेकिन आपने ये नहीं बताया था मेरे सहायक को कि आप जिस फ्लाइट से जा रही हैं JW 494, आपकी जो सीट बुक की गई है उसके चार सीट आगे जो सीट रिजर्व की गई है 23J, उस पर कौन बैठा है, और वो बुकिंग आप ही के ट्रैवल एजेंट ने की है, उसकी जो पासपोर्ट और वीजा की फॉर्मेलिटी की गई थी उसकी कुछ सूची है मेरे पास। निर्मल राय का वीजा एप्लीकेशन, फोटो देखिए। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनीश की जैसा चेहरा है इनका मुख? योर ऑनर, निर्मल राय अर्थात अनीश बोरा। तो अनीश बोरा ही है? अनीश जी जिनकी हत्या का केस चल रहा है, उनकी हत्या हुई नहीं, वो अभी तक जीवित है। ये भी जानना चाहता था आपसे, तो दुबई आप जा रही हैं, आपको नई नई नौकरी वहां प्राप्त हुई है, ये अवश्य गारंटी देता हूं मैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंपनी में आपको नौकरी मिली होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो पिछली सुनवाई में आपने मणिपाल का जिक्र किया था, अधिकतम इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो वहीं स्थापित हैं। थोड़ी सी छानबीन की तो हमें पता चला कि आप तो वहां से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करके निकली। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग योर ऑनर, जिसका अर्थ ये होता है कि ये ऐसे यंत्र बना सकती हैं जो स्वयं इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर चलें, बोलें, देखें। जो मुझे रिमोट कंट्रोल से बुलवा ले। बताओ केडी, कल रात को क्या हुआ था? योर ऑनर, हैरी जो बोल रहा है, मैं अदालत को समझाना चाहूंगा। कल रात मैं जब हैरी के पुतले की छानबीन कर रहा था योर ऑनर, तो अंदरूनी हिस्से पर मुझे छेद नजर आया, जैसे छेद जहाँ से लगा कि किसी ने स्क्रू निकाले हो योर ऑनर, जिसका तात्पर्य ये होता है कि किसी ने अंदर एक ऐसा यंत्र फिट किया था जिसके आधार पर वो हिल सकता था योर ऑनर, चल सकता था, और अगर इसी पुतले में आप माइक्रोफोन और कैमरा लगा दें तो ये देख भी सकता है, सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। रोबोटिक, एम आई राइट? और एम आई राइट? मतलब हैरी का बोलना, मुझे देखना, सुनना, ये सब उसके अंदर फिट हुए कैमरा और माइक की वजह से था। जी अंकिता जी। योर ऑनर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब पुलिस को ये पपेट बरामद हुआ तो पुलिस को तो इसमें कोई यंत्र नहीं मिला था। ओ वाह, ये योर ऑनर की जो पुतले का संचालन रोबोटिक्स द्वारा, वो इनके पतिदेव ही कर रहे थे। और इस बारे में केवल फाल्गुनी जानती थी। योर ऑनर, मेरे मन में संदेह जागा क्योंकि उस समय केवल फाल्गुनी जी और अंकिता जी था, पुलिस के वहां आने से पहले इन्होंने हैरी में से वो यंत्र निकाल लिए।
से नहीं, ये पुतला अभी क्यों बोल रहा है? मिस्टर पाठक, आपने इसमें कोई मशीन फिट किया है? योर ऑनर, मैंने इस गुड्डे में कोई यंत्र नहीं, पूरा का पूरा इंसान फिट किया हुआ है। चतुर्मुखी जी आइए, बता रही है बाहर, आइए। चतुर्मुखी जी हैं, एक गरुड़वादी अर्थात वेंट्रिलोक्विस्ट। जब इन्हें ऐसा लगा कि अगर पुतले की बात फैल जाए कि पुतला चल बोल सकता है, तो इन्हें लगा कि संभवतः इनका डूबता हुआ व्यवसाय फिर से एक बार उभर जाएगा। इसी कारण इन्होंने चीनी जादूगर का आधार बनाकर इन्होंने मुझे फंसाना चाहा। लेकिन फाल्गुनी और अनीश मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हाँ योर ऑनर, ये प्रश्न तो अभी भी खड़ा हुआ है कि इनकी बहन और इनके पतिदेव ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। स्पष्ट है योर ऑनर, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, नए देश में जाकर नया जीवन जीना चाहते थे, इन्हें रास्ते से हटाकर। एक और बात था योर ऑनर, इनके जेल जाने के बाद, इन्हें दंड मिलने के बाद, इनके पिताजी की पूरी धन संपत्ति इनकी बहन की हो जाती। झूठे हैं सब, साबित कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा विचित्र जग है फाल्गुनी जी, ये व्यक्ति आईना देखने के बाद भी मुंह फेर लेता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं। मिस्टर अनीश वोरा, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। यह अदालत अनीश वोरा और फाल्गुनी पारिक को यह हैरत अंगेज साजिश रचने के लिए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और जब कत्ल हुआ ही नहीं तो यह अदालत मिसेज अंकिता वोरा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस। वैसे वो बिल्ली आपकी ठीक है? मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता कि आपके घर में बिल्ली लाई है? yes. वो क्या है, आपके हाथों पर और आपके गले पर ये जो छोटे छोटे खरोंच के निशान है, तो ये तो तभी होता है जब व्यक्ति बिल्ली लाता है घर में, या फिर अब वो तो हो नहीं सकता, तो बिल्ली ही होगी, वो क्यों नहीं सकता, होने को तो कुछ हो सकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।